हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज हम लोगों ने हेडिंग उठा ली है जिसके अंदर एक एक ड्रग है ना। सिलेबस जब देखोगे तो ये कुछ हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी रूमेटिक्स है, एंटी डिजेंट्रिक है, ऑक्सीटोसिक है, इसके अंदर एक ही एक ड्रग दे रखा है। तो इसके अगर सेपरेट एक एक लेक्चर बनाएंगे तो बहुत छोटे छोटे लेक्चर बन जाएंगे। तो ये चार ड्रग एक साथ लेकर के मैंने इसको यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत ईजी है आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एंटी हाइपरटेंसिव हम सबको पता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, बहुत हमने डिस्कस किया था, है ना। तो क्या है? अ टाइप ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, है ना। ऐसे ड्रग जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करेंगे यानी कि लो करेंगे या कह लो ठीक करेंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, बहुत सारे अलग टाइप के एजेंट होते हैं एंड दे वर्क इन डिफरेंट वेज, और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं बीपी को कम करने के लिए। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? अच्छा, यहाँ पर मैं डिटेलिंग नहीं ले जा रहा हूँ मैं, क्यों? ये देखो, व्हाट इज हाइपरटेंशन, कॉज ऑफ बीपी, नॉन कॉजेज ऑफ हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, है ना, कैसे कैसे इनका मोड ऑफ एक्शन है, ये सब हम लोगों ने कहाँ पढ़ रखा है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में करा दिए हैं। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन, लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, कहाँ दिया है? डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद कर रहा हूँ जिन लोगों ने पढ़ा हुआ लेक्चर उनको ये बहुत अब ईजी होगा। अगर भूल गए हो तो एक बार एंटी हाइपरटेंसिव का स्टार्टिंग का इंट्रो जरूर पढ़ लें कि क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव। तो जब जनरल बातें आएंगी तो वहां पे वही चीज लिख सकते हो, इसमें वही चीज लिख सकते हो, तो डबल डबल चीजें जरूरत नहीं पड़ेंगी, एक ही में काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। तो अलग अलग तरीके से क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जो ये एजेंट होते हैं ये बीपी को कम करते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड, है ना, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आ गया है यूरिन से पास करा देंगे, ठीक है। कुछ नमक, यूरिन से नमक को पास करा देते हैं। अदर रिलैक्स एंड वाइडन द ब्लड वेसल, कुछ ब्लड वेसल को थोड़ा सा फैला देते हैं तो बीपी हमारा लो हो जाता है, ठीक है ना। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं डिटेल में चैप्टर नंबर 7, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ये पढ़ोगे जब लेक्चर, अगर दोबारा से देख लेना तो सब बातें डिस्कस कर रखी हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं उसको वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आ जाते हैं फटाक से आगे, क्या है हमारे पास? तो इसमें जो सबसे पहला एजेंट है हमारे पास, एक ही एजेंट है, राउ वॉल्फिया। क्या नाम है उसका? राउ वॉल्फिया, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है राउ वॉल्फिया, देख लो, कभी नहीं देखा है और किन लोगों ने देख रखा है, अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है ये राउ वॉल्फिया? वी लगा लो या कई बार डब्लू, दोनों ही चीजें सही है। समटाइम स्पेल राउ वॉल्फिया इज अ जीनस ऑफ एवरग्रीन ट्री। कैसा ट्री है? एवरग्रीन ट्री एंड श्रब, ठीक है, एवरग्रीन ट्री एंड श्रब इन द फैमिली एपोसाइनेसी। कौन सी फैमिली है? एपोसाइनेसी, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कॉमनली नोन एज डेविल पेपर, इसको हम लोग डेविल पेपर के नाम से भी जानते हैं। द जीनस नेम टू ऑनर लियोन हार्ड राउवॉल्फ, इसको जो साइंटिस्ट थे लियोनार्ड राउवॉल्फ उनके नाम से हमने इसका नाम राउवॉल्फिया रख दिया है, क्लियर है। द जीनस कैन मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका एंड वेरियस ओशनिक आइलैंड, ठीक है ना। तो इसमें ज्योग्राफिकल सोर्स में एशिया, एशिया बड़ा कॉमन है। एशिया तुम देखोगे तो बहुत जगह में एशिया 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 लिखा रहता है, एशिया और अमेरिका, है ना, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ये बड़े कॉमन मिलेंगे तुमको। अगर कभी भूल जाते हो और पूछ लेता है तो एशिया, अमेरिका, अफ्रीका उसमें डाल सकते हो तुम, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सर्पगंधा, छोटा चांद, सर्पेंटाइना रूट या राउवॉल्फिया रूट के नाम से जाने जाते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड राइजोम, सूखा हुआ राइजोम। राइजोम पता ना क्या होता है, जैसे कि हल्दी, हल्दी, अदरक, हल्दी कह लो या अदरक कह लो, दोनों ही राइजोम है ना। ऐसे अदरक देखिए ठीक उसी टाइप से ये भी जड़ में रहता है इस तरह से, उसको राइजोम कहते हैं। एंड रूट्स ऑफ राउवॉल्फिया सर्पेंटाइन और फैमिली एपोसाइनेसी, फैमिली क्या है इसकी? एपोसाइनेसी। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो रेसरपीन, एजामेलिसिन, एजामेलिन, राउवॉल्फिनिन, रेसिनन, रेसिनामाइन, रेसरपाइन, योहिम्बीन, सर्पेंटाइन, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ जो मिलते जुलते हैं, रेसरपीन इसका बहुत कॉमन है, राउवॉल्फिनिन, ठीक है ना। तो जो रेसरपीनाइन, रेसरपीन, रेसरपीनाइन जो मिलते जुलते वाले हैं वो पहले याद करोगे। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी को कम करेगा, हिप्नोटिक है ना, हमें हिप्नोटिक सुनाने जैसा एहसास दिलाएगा, और सेडेटिव है,
ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, अब रूमेटिक रूमेटिक बहुत बार आ चुका शब्द, अब ये एंटी रूमेटिक प्रॉपर आ ही गया है। तो आओ देख लें क्या है ये एंटी रूमेटिक्स, समझते हैं इसको। द टर्म एंटी रूमेटिक ड्रग रेफर टू एजेंट्स, ये जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स उनको कहा जाता है जो कि यूज होते हैं, यूज इन द थेरेपी ऑफ इंफ्लामेटरी अर्थराइटिस, है ना, जो हमारी अर्थराइटिस होती है उसमें इंफ्लामेशन हो जाए, प्रीडोमिनेंटली रूमेटाइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में भी कौन सी अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, बट ऑल्सो इडियोपैथिक जुवेनाइल अर्थराइटिस। जुवेनाइल मतलब होते हैं बच्चे, कई बार ये लक्षण जो होते हैं ना रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये आजकल बच्चों में भी दिखाई देने लगी 14-15 साल के अंदर। सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियसिस होती है खाल पर, जो लाल लाल कई बार देखोगे ना चकत्ते से पड़ जाते, बीमारी एक तरह की। अगर सोरियसिस के साथ साथ इन गांठों में भी दर्द शुरू हो जाए तो उसको कहा जाता है सोरियाटिक अर्थराइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कमर जो हमारा वो होता है ना, क्या कहते हैं, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, बैकबोन जो रहता है हमारा, रीढ़ की हड्डी, उसके जो जॉइंट्स में थोड़ा सा गैप रहता है ताकि मोशन हो सके, वो गैप कई बार आकर क्या होता है कम हो जाता है, चिपक जाते हैं, तो हमको आगे पीछे मोशन करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। ठीक है, एंड अदर्स, और कुछ अदर चीज़ें हैं। तो अब बात आती है कि आखिरकार रूमेटिक्स है क्या चीज़। तो कह रहा है रूमेटिक डिजीज आर ऑटो इम्यून, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो जो हमारा सिस्टम है वो हमारे ही ऑर्गन्स, खास करके जॉइंट जो हमारे हड्डियों के होते हैं, उनको दुश्मन समझ लेता है और उनके ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है। ठीक है ना, अटैक वो किसी पर भी कर सकता है, किडनी पर, लीवर पर, किसी पर भी, लेकिन ज़्यादातर अफेक्ट करता है जॉइंट्स को। एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जब अटैक करता है तो हमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन से स्टार्ट होती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। डैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू अटैक, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, अटैक योर जॉइंट्स, अटैक करता है हमारे जॉइंट्स पर, मसल्स पे भी कर सकता है, बोन्स पे भी कर सकता है और अदर ऑर्गन्स पे भी कर सकता है। रूमेटिक डिजीज आर ऑफन ग्रुप्ड अंडर द टर्म अर्थराइटिस एक्सेप्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होती है जनरल अर्थराइटिस ऑस्टियो वाली, एक होती है रूमेटिक, रूमेटिक ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है ना, विच इज यूज टू डिस्क्राइब ओवर 100 डिजीज एंड कंडीशन। देखो आप जरा समझते हैं यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर ये स्पंज जिसको हम कहते हैं ना, स्पंज जैसा रहता है जिससे कि दो हड्डी आपस में टकराएं तो दर्द ना करें, और उनके बीच में भरा हो रहा है साइनोवियल फ्लूइड, एक तरह का तेल टाइप का रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या रहता है, देख रहे हो यहाँ पर, ये अवस्था है, यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड में ये मेम्ब्रेन लगी हुई है और एक कार्टिलेज थोड़ा बहुत यहाँ पर रह भी जाता है, साइनोवियल फ्लूइड हल्का फुल्का रह जाएगा, लेकिन रूमेटाइड में हड्डी बिल्कुल जुड़ जाती है, देख रहे हो ये बिल्कुल चिपक गए हैं, जरा सा भी मोशन करोगे ना दर्द से पागल हो जाओगे, और ये इन्फ्लेमेशन है पूरा, मतलब कहते हैं ना बहुत बुरी हालत हो जाती है, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इतना अंतर आ जाता है। क्लियर है, तो कह रहा है रूमेटिक डिजीज कैन कॉज डैमेज टू योर वाइटल ऑर्गन, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, बहुत जरूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उनको भी डैमेज कर सकता है, इंक्लूडिंग द लंग्स, हार्ट, हमारे लंग्स को, हार्ट को, नर्वस सिस्टम को, किडनी को, स्किन को और आई को। बड़ा खतरनाक होता है ये रूमेटिक, इम्यून सिस्टम है, जिस किसी को दुश्मन समझ लेगा मारने लगेगा उसको, दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। रूमेटिक डिजीज में रिजल्ट इन कंडीशन सो सीवियर डेट दोज हु सफर फ्रॉम देम कैनॉट, कह रहा है रूमेटिक डिजीज की वजह से परिणाम में रिजल्ट, है ना, इसका रिजल्ट ये होता है कई बार कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, डेट दोज हु सफर, जिनको ये बीमारी है, कैनॉट बाथ, खुद से नहा नहीं सकते, डब्बा उठाने में ना ये जॉइंट हिला नहीं सकते अपना, और ड्रेस देम सेल्फ, भाई जहाँ जहाँ तुमको हाथ फोल्ड करना पड़ेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, चिपक गया हो तो ना दर्द करेगा, कर नहीं पाओगे। एडिशनली अ सिंपल टास्क सच एज वॉकिंग कैन कॉज पेन एंड बी डिफिकल्ट टू और इवन इम्पॉसिबल, चलने में भी क्या होती है, मुसीबत हो जाती है। क्लियर है, ओके, तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो है कोल्चिकम सीड। क्या होता है कोल्चिकम सीड, आओ देखते हैं। कोल्चिकम इज अ जीनस ऑफ पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, ये भी कैसा है, पेरिनियल है, ओके, इज अ जीनस ऑफ पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट कंटेनिंग अराउंड 160 स्पीसीज, इसके अंदर लगभग 160 स्पीसीज हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ फैमिली कोल्चिकेसी, किस फैमिली का है ये, कोल्चिकेसी फैमिली का है। इट इज नेटिव, नेटिव मतलब कहाँ पे कुदरती तौर पर पाया जाता है, एशिया, मैंने कहा ना एशिया, यूरोप, ये सब चीज़ें कॉमन है। इन द जीनस, इन दिस जीनस, इस जीनस में ओवरी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की जो ओवरी होती है, ओवरी पता है ना फ्लावर की क्या होती है, याद आया, है ना, ये साइज में आंसर निकला रहता है, ठीक है।
तो जो ओवरी ऑफ फ्लावर इज अंडरग्राउंड, देख रहे हो फूल ऊपर है, इसकी ओवरी ना ये जमीन के अंदर चली गई है, ठीक है, अंडरग्राउंड उठती है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप द स्टाइल, ये जो निकल के आ रहा है इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं ना, ये स्टाइल होती है, आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, काफी ऊपर निकल के आना पड़ेगा ताकि पॉलिनेशन वगैरह हो सके, ओके, लॉन्ग इन प्रोपोर्शन ऑफर मोर देन 10 सेंटीमीटर, 4 इंच, 10 सेंटीमीटर या 4 इंच लगभग बराबर रहती है। ऑल स्पीसीज इन जीनस आर टॉक्सिक, सबकी सब कैसी हैं, टॉक्सिक है, पॉइजनस है। सिनोनिम की बात करें तो ऑटम क्रोकस, सिगडेम, कॉल्क्यूको, मीडोसेफ्रॉन, ये सब नाम से जाने जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई ड्राइव सीड, कहां से मिलेंगे ये, है ना, सूखे पके हुए बीज ऑफ कॉल्चिकम, इज कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल लिन, लिन मतलब जिस साइंटिस्ट ने इसके नामकरण किया होता है, लिन का मतलब यहाँ लाइनस हो जाएगा, लाइनस ने किया था, ऑफ फैमिली लिलियसी, कौन सी फैमिली के हैं ये, लिलियसी फैमिली के हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉल्चिकम से कॉल्चिसिन, कॉल्चिफोलिन, है ना, 2-methyl कॉल्चिसिन, डेमेकोल्सिन, 4-hydroxy कॉल्चिसिन, N-diacetyl N-formyl कॉल्चिसिन, ठीक है ना, तो नाम से ही इसके केमिकल नाम पड़े हुए हैं, तो इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें, इट इज यूज फॉर रूमेटिज्म, बात कर ली हमने, गाउट, ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो देखो रूमेटिज्म में इन्फ्लेमेशन था ही, तो ये दो तो ऐसे ही याद कर लो कि अच्छा रूमेटिज्म में तो इन्फ्लेमेशन होता ही होता है, तो उसमें भी काम में आएगा। गाउट भी एक जोड़ों की दर्द की बीमारी है, तो गाउट में भी काम में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से कोरिलेट करते हुए पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। आगे आते हैं, हमारे पास आता है एंटी डिसेंट्रिक। देखो बच्चों, एक होती है डायरिया और एक होती है डिसेंट्री। हम लोग जनरली आजकल कुछ बच्चे लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अच्छा लूज मोशन जो होते हैं, पॉटी हो रही है किसी को बहुत ज़्यादा, तो उसको कुछ लोग डिसेंट्री बोल देते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, डायरिया और डिसेंट्री में अंतर होता है, ठीक है ना। डायरिया एक तरह से कह सकते हैं लूज मोशन हो रहे हैं, डिसेंट्री में लूज मोशन खतरनाक हो जाते हैं, ब्लड वगैरह आने लगता है, हालत गंभीर हो जाती है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है, द ड्रग्स एंड एजेंट्स विच हैव अमीबोसाइडल एक्टिविटी, अमीबा को किल करने की क्षमता हो, उसको हम लोग कहते हैं एंटी डिसेंट्री। क्यों? क्योंकि डिसेंट्री होती ही अमीबा की वजह से है। आओ, इट इज यूज टू क्योर और प्रिवेंट अमीबिक डिसेंट्री, जो अमीबा की वजह से हो रही है इसीलिए खतरनाक होती है ये, ठीक है ना। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इस बीमारी का, डिसेंट्री बीमारी का जो मेन कारण एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री है क्या चीज, डिसेंट्री आल्सो नोन एज ब्लडी फ्लक्स, ब्लडी मतलब खूनी बहाव, जब खून सा निकलने लगता है पॉटी से तो उसको डिसेंट्री कहा जाता है। इज ए टाइप ऑफ गैस्ट्रो एंट्राइटिस, एंट्राइटिस आइटिस मैंने बताया, एंट्राइटिस आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, पेट के अंदर आंतों का इन्फ्लामेशन, डैट रिजल्ट इन ब्लडी डायरिया, खून आने लगे हमारे, जब डायरिया हो, 2-4 दिन पॉटी हुई नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल मतलब लूज मोशन थे, लेकिन 4th दिन अचानक से खून आने लगा, तो समझ जाओ मामला गंभीर है, डिसेंट्री वाले लक्षण दिख रहे हैं। अदर सिम्टम इंक्लूड फीवर, बुखार आ सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, एंड फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डिफिकेशन, ऐसा लगेगा कि पेट खाली नहीं हुआ है। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड डिहाइड्रेशन, पानी भी शरीर में कमी हो सकती है, जिससे क्या होता है फिर बोतल वगैरह चढ़ती है, ट्रीटमेंट होता है। द कॉज ऑफ डिसेंट्री इज यूजली द बैक्टीरिया फ्रॉम, डिसेंट्री का कॉज क्या, बैक्टीरिया फ्रॉम जीनस सिजेला इन विच इट इज नोन एज सिजिलोसिस और द अमीबा, बैक्टीरिया भी इसका कॉज हो सकता है, अमीबा भी इसका कॉज हो सकता है, इसका नाम क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बैक्टीरिया भी कर सकता है, अमीबा भी कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड अमीबियासिस। अगर बैक्टीरिया करेगा तो उस डिसेंट्री को हम लोग सिजिलोसिस कहेंगे, अमीबा करेगा तो उसको हम अमीबियासिस कहेंगे। अदर कॉज में इंक्लूड सर्टन केमिकल, कई बार कुछ केमिकल खाने वगैरह से भी हो सकते हैं, अदर बैक्टीरिया, अदर प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म, कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, कुछ केमिकल हो सकते हैं, कुछ दूसरे बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, पैरासिटिक वर्म हो सकते हैं, पैरासिटिक मतलब जो कीड़े दूसरों पर सर्वाइव करते हैं, बट दो कारण बड़े मेन हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो इसमें जो प्लांट इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, क्या पढ़ोगे इसे, इपेका कोहाना, ठीक है ना, इपेका कोहाना, ठीक है ना, देख रहे हो इसकी रूट इस तरह से ये रहती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आओ देखें जा रहा है इसको क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एपेका इज द ड्राइड रूट और राइजोम, है ना, राइजोम टाइप का रहेगा, ऑफ सेफेलिस
एपेकोहाना ऑफ फैमिली रूबिएसी, ठीक है ना, किसका है ये, सेफियलिस एपेकोहाना ऑफ फैमिली रूबिएसी, क्लियर है, ठीक है। ये पौधा ऐसा दिखता है, ये रूट उसकी ऐसी होती है। केमिकल कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो अल्कोलाइड इसके रूट में पाए जाते हैं, ठीक है। द अदर केमिकल कॉन्सेंट्रेट आर एमेटीन, ठीक है ना, सेफेलिन, साइकोट्रीन मिथाइल ईथर, क्लियर है। तो ये कुछ खास खास केमिकल हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एस्पेक्टोरेंट खांसी में काम आता है, डायफोरेटिक है, ट्रीट अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करता है, ठीक है। इट हैव अ लोकल इरिटेंट एक्शन, जो है ना इरिटेशन, नॉर्मल सी इचिंग वगैरह रहेगी उसमें लोकल इरिटेंट एक्शन होता है, जहाँ टच होगा तो इरिटेशन से होने लगती है, इचिंग से होगी। एपेकक हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इमेटिक, वॉमिटिंग कराने में काम आता है, ये वॉमिटिंग करवा देता है। और इनहिबिटर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो यानी कि एचआईवी वायरस को क्या करता है, ये रोकथाम करने में हेल्पफुल है, क्लियर है, चलें आगे। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक क्या मतलब है ऑक्सीटोसिक का, आओ समझते हैं। ऑक्सीटोसिक आर द ड्रग दैट हैव द पावर टू स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन। इस ऑक्सीटोसिक वो ड्रग होते हैं जिनके पास क्षमता है स्टिमुलेट कराने की, शुरू कराने की, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल, जो यूट्रस होता है ना, बच्चादानी, यूट्रस होता है बच्चादानी, बच्चेदानी में लास्ट में क्या होते हैं, मसल्स में बहुत सारे मोशन से आते हैं जिससे कि लेयर्स टूटती हैं और बच्चा जो होता है उसकी डिलीवरी होती है। उन मसल्स में जब तक वो मोशंस नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहा कह रहे हैं यहाँ पर, वो मोशन नहीं आएगा तब तक क्या होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीटोसिक ड्रग है डिलीवरी के लिए ही इस्तेमाल में आता है ये। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये, दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूट्रोटॉनिक, यूट्रोटॉनिक जो यूट्रस को टोन करें, है ना, यूट्रस को मूव कराने में हेल्प करें। ऑक्सीटोसिक एजेंट्स आर मेडिकेशन डेट स्टिमुलेट यूट्रिन एक्टिविटी, यूट्रिन एक्टिविटी, यूट्रस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं ये। एंड आर यूज टू इंड्यूस लेबर, लेबर मतलब लेबर पेन, पता है ना क्या होता है, फीमेल्स को बच्चा होने से पहले जो पेन होता है उसको हम लेबर पेन कहते हैं। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझाया, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज, कई बार तुम लोगों ने सुना होगा मूवी वगैरह में कि बच्चे होने के बाद फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई एक दिन दो दिन और उसकी डेथ होगी। वो जो पोस्टपार्टम डिलीवरी होने के बाद पोस्टपार्टम हैमरेज, हैमरेज मतलब जो खून निकलता रहता है कई बार, ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड एक्सपेल फीटल कंटेंट इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मान लो अबॉर्शन हो रहा है और पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसको दिया जाता है, इससे क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसके अंदर मोशन स्टार्ट होता है और वो यूट्रस क्या करता है, एक्सपेल करता है, बाहर को ढकेलेगा जो भी कंटेंट होता है फीटस का, उसको बाहर ढकेल देता है, उससे क्या होता है जो यूट्रस की सफाई वगैरह थोड़ा अच्छे से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑक्सीटोसिक, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिक जो ड्रग के अंदर मानी काउंट की जाएंगी, यानी कि सीधी सी बात है ये किससे जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें डिलीवरी से जुड़ी हुई है ना। ऑक्सीटोसिक कहीं ना कहीं सुना होगा वर्ड ऑक्सीटोसिन, है ना, तो बस वही चीज़ है। जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तुरंत उन्होंने क्लिक कर लिया होगा, जिनको नहीं पता तो सिर्फ इतना दिमाग में रखें कि ड्यूरिंग डिलीवरी इस ड्रग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर है। इसमें जो है एर्गोट, एर्गोट क्या होता है, एक फंगस है, एर्गोट क्या है, एक फंगस है। आपकी बार कभी गेहूं वगैरह की या राई की जो खेती होती है ना उसमें देखना, अगर कुछ इस तरह से निकला हुआ होगा, ये देख रहे हो, ये क्या होता है, फंगस लगने के बाद इसने अपनी कॉलोनी बना ली है और अब ये नए फंगस बनाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं फंगस का फ्रूट है ये, अब यहाँ से नए फंगस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो इसको जो फंगस का फ्रूट है ना, तो इसी को हम लोग कई बार क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब फाइनली अब क्या है, यहाँ से नए फंगस बनने को तैयार है, ये फंगस की कॉलोनी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब कभी दिखाई दे तो समझना ये क्या है, फंगस है। ओके, एर्गोट और एर्गोट फंगाई रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फंगाई ऑफ जीनस क्लाविसेप्स, है ना, फंजाई ग्रुप है और जीनस क्या है इसका, क्लाविसेप्स, है ना, किस परिवार को बिलोंग कर रहा है ये। ओके, द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप क्लाविसेप्स परपूरिया, सबसे ज्यादा जो इसका मेंबर पाया जाता है या जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेंबर है इसका, वो कौन है, क्लाविसेप परपूरिया है, ठीक है। इसको हम लोग राई एर्गोट फंगस भी कहते हैं, क्योंकि राई में सबसे ज्यादा लग जाता है और राई को खराब करता है ये। दिस फंगस ग्रोज ऑन राई एंड रिलेटेड प्लांट, राई और उससे मिलते जुलते प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा एंड प्रोड्यूसेस एल्कोलाइड, और खास तरह का एल्कोलाइड प्रोड्यूस करता है, डेट कैन कॉज एर्गोटिज्म, है ना,
एर्गोटिज्म में क्या होता है, इंसान का जो पैर वगैरह है, नाखून वगैरह होते हैं, उनमें डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, ह्यूमंस के साथ साथ दूसरे मैमल्स है ना, गाय भैंस में भी कर देते हैं। हु कंज्यूम ग्रेन कंटेमिनेटेड विद दिस फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही है, दिस इज द फ्रूटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसको खा लिया है, गाय भैंस है, बकरियां इसको खा लिए हैं और काफी लंबे टाइम से लगातार खाते जा रहे हैं, रोज चरने आते खा रहे हैं, तो उनके अंदर एक लक्षण स्टार्ट हो जाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एर्गोटिज्म कहते हैं। सिनोनिम की बात करें तो एर्गोटा फ्राई, एर्गोटा, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड स्क्लेरोटियम, अब ये स्क्लेरोटियम कुछ और नहीं है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी को ही कहा गया है। किसको कहा गया है, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी थी स्क्लेरोटियम, ये इसी को कहा गया है, क्लियर है, ठीक है। तो अल्कलॉइड ऑफ एर्गो, सॉरी, इट इज अ ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लाइविसेस परपूरिया तुलसने। ये तुलसने क्या है, साइंटिस्ट है जिन्होंने फंगस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, तो उनका नाम साथ में जोड़ा जाता है, ऑफ फैमिली क्लेविसिपेटेसी, ठीक है ना, क्लेविसिपेटेसी, क्लियर है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम समझा दिया मैंने, किस क्या बोलेंगे, स्क्लेरोटियम बोलेंगे। नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अल्कलॉइड ऑफ अर्गॉट क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आता है एर्गोटोमेट्रिन ग्रुप, इसके अंदर एर्गोटोमेट्रिन और एर्गोटोमेट्रिन 9 आता है। एर्गोटोमाइन ग्रुप जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, इसके अंदर ये सारे ड्रग हैं, एर्गोटोमाइन, एर्गोटोमेनाइन, एर्गोसिन, एर्गोसिनाइन। एर्गोटॉक्सिन ग्रुप के अंदर एर्गोक्रिटिन, एर्गोक्रिटिनाइन, एर्गोक्रिप्टीन, एर्गोक्रिप्टिनाइन, एर्गोक्रिनाइन, अल्टगोक्रिनाइन, क्रिनाइनिन, ठीक है। तो नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, इधर फास्ट हो जाता है तो थोड़ा सा नाम गड़बड़ हो जाते हैं, तुम लोग आराम आराम से, मैंने जैसा तरीका बताया था, ठीक है ना, जैसे कि अर्गोटा माइनिन, ठीक है ना, तो ऐसे आराम से पढ़ करके लिख करके प्रैक्टिस करोगे, क्लियर है, ओके। इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ये ऑक्सीटोसिक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ना, ब्लड वेसल को सिकुड़ाएगा, एब्रो एबॉर्टिफिशियंट है, अबॉर्शन में हेल्प आता करता है, टू रिड्यूस पोस्टपार्टम हेमरेज, देख समझा था हमने अभी क्या है। एनाल्जेसिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी कई बार ये क्या होता है, इस्तेमाल में आता है। तो ये थे हमारे पास कुछ ड्रग्स जिनको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और रिविजन करते रहोगे तो सब कुछ धीरे धीरे से याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।